News 18, India. जा रहा है अमित हमारे सहयोगी बने हुए। अमित, एक तरफ देखिए कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे, ये महज कोरी अफवाह है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जो भी बीजेपी के नेतृत्व पर भरोसा करता है उनके लिए हमारी पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। आखिर ये सस्पेंस कब तक खत्म होगा? और देखिए, राजनीति में कभी कभी खामोशी भी एक बहुत बड़ा इशारा होती है। और कल हमने, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं, खासकर मध्य प्रदेश से जुड़े नेताओं से हमने बात की, तो सब ने खामोश थे। बीजेपी कभी भी अपने जो ऑफिशियल स्टैंड है, जब तक केंद्रीय नेतृत्व के बाद मीडिया डिपार्टमेंट के जरिए सामने नहीं करते बातें, लेकिन किसी भी ऐसे बड़े नेता ने इस उनकी एंट्री से इंकार नहीं किया। एक चीज ये है, एक संभावना ये है, एक संकेत ये है। दूसरा, कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की जो गतिविधियां पिछले 2-3 दिनों से थे, वो यही लगता है कि अब कुछ न कुछ उनका मन जो है वो हिल रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अपनी नाराज, चाहे वो बयान में नाराजगी हो, चाहे भाषण हो, चाहे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, 40 साल से भी ज्यादा का इनको अनुभव है, लेकिन कमलनाथ की ओर से अपनी पार्टी के लिए ऐसी बातें हमने पिछले कम से कम हमने अपनी याद में तो ऐसी नहीं देखी है। तो जरूर कुछ न कुछ ऐसा पक रहा है, कुछ न कुछ गतिविधियां हो रही हैं। वेट एंड वॉच का ये पूरा खेल है और एक अगले कदम का के ऊपर सबकी निगाहें हैं। ठीक है अमित, बने रहिए। मनोज, सवाल ये भी है कि ये वही कमलनाथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी से एक समय पे बहुत नाराज हुए जब सत्ता तक उन्हें खोनी पड़ गई, तो क्या अंदर खाने इतना अपमानित, या जो भी इस वक्त कहा जा रहा है इतना ज्यादा ये बात बढ़ गई होगी कि वो उसी पार्टी में जाने के बारे में सोचने लगे हैं, हालांकि औपचारिक ऐलान या इस्तीफा अभी बाकी है। कमलनाथ की मध्य प्रदेश कांग्रेस में कैसी स्थिति में, कमलनाथ की ये दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाऊंगा। ये प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर है लिंक रोड पर भोपाल में। इसमें आप देखिए, मैं सबसे ऊपर जो तस्वीर है आपको दिखा रहा हूँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसमें आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं। दूसरी तरफ जीतू पटवारी का एक जैसे कहें तस्वीर लगी हुई है, फोटो लगी हुई है। ये तमाम पोस्टर देखिए, कुछ दिन अभी 2-3 दिन पहले विधानसभा का घेराव हुआ था, और इसमें आप देखिए इन सभी जगहों पर, एक जगह आप मुझे दिखाइए कि कमलनाथ कहाँ है। अगर है भी तो वो छोटी सी तस्वीर है, वो कमलनाथ जो कि इसके पहले, अब से ठीक 2 महीने पहले तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक पत्ता भी अगर हिलता था तो वो कमलनाथ की सहमति से, कमलनाथ की इजाज़त से हिलता था। लेकिन अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में फिलहाल पूरी तरह से, राहुल गांधी ने अपनी पसंद की कांग्रेस मध्य प्रदेश में बनाई है, जीतू पटवारी उनकी पसंद के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी पसंद के उमंग सिंगार जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो उनकी पसंद के हैं, और साथ में दीपक सक्सेना कांग्रेस जो कमलनाथ के बिल्कुल करीबी हैं, उनके सबसे खास से पैसलार हैं, और उनका ये कहना कि सोनिया गांधी से बातचीत होने के बावजूद कमलनाथ को राज्यसभा से वंचित होना पड़ा। तो क्या बड़ा सवाल अब ये उठ कर ही आ रहा है, क्या वाकई राज्यसभा कमलनाथ जाना चाहते थे? क्या वाकई कमलनाथ को राज्यसभा जाने के लिए मध्य प्रदेश में सहमति नहीं बन पाई? जीतू पटवारी से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि पूरी सहमति के बाद जो अशोक सिंह हैं उनको भेजा गया, अशोक सिंह यादव को यहाँ से मध्य प्रदेश से भेजा गया है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं अंदर खाने से कांग्रेस के गलियारों से आ रही है कि कमलनाथ भी राज्यसभा जाना चाहते थे, तो ये एक उनकी नाराजगी की वजह हो सकती है। ठीक है मनोज, आपके पास लौटेंगे, अमित का रुख करेंगे। अमित, देखिए यहाँ पर बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि कमलनाथ को राज्यसभा जाने का मन था, वो पूरा नहीं हो पाया, तो कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना राजनीतिक भविष्य शायद दिखाई नहीं दे रहा। और क्या ये भी वजह है कि बेटे नकुल के साथ वो बीजेपी में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि बेटे नकुल का भविष्य भी उनको सुरक्षित करना है आगे? जी बिल्कुल, देखिए नकुलनाथ छिंदवाड़ा से बेशक अभी सांसद है, लेकिन उनके सामने राजनीति का पूरा करियर यहाँ पे पड़ा है। और जैसा कि मनोज जिक्र कर रहे थे, जीतू पटवारी जब से मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तब से कमलनाथ की जो गतिविधियाँ हैं, एमपी कांग्रेस के चाहे प्रदर्शन हो चाहे उनके स्टेटमेंट हो, कमलनाथ का नाम वहां से पूरी तरीके से गायब है। और पिछले 15 सालों में या कहें हम 2-3 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कमलनाथ सेंटर से मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सेंटर से फिलहाल अभी उनका नाम उतना नहीं आ रहा है। तो इन सारी संभावनाओं को देखते हुए आखिरकार सवाल ही उठता है, जाए तो जाए कहाँ कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ? तो ऐसी परिस्थिति में उनके लिए ये बीजेपी का जो ऑप्शन है, कयास ये लगा रहे हैं कि ये बेहतर बनता है।
और इनके जो बयान है, इनके सिपा सलार है, उनके जो बयान है वो भी इस बल को हवा देते हैं। और तीसरी जो सबसे प्रमुख चीज जो हवा देती है कि किसी भी बड़े बीजेपी के नेता ने इस एंट्री की संभावना को इंकार नहीं किया है। तो ये परिस्थितियां यहाँ पे उत्पन्न हो रही हैं। अब सबकी नजरें बयान पर, आगे अगले कदम पर है कि साफ कदम होकर सामने आए। बिल्कुल, औपचारिक ऐलान पर नजरें हैं सभी की। अमित, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन देखिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र कहे जाने वाले कमलनाथ आखिर पार्टी क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, इस बड़े सवाल की गूंज मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली में और पूरे देश में हो रही है। अब इसकी वजह भी एक एक करके आपको समझाते हैं कि आखिर कमलनाथ कांग्रेस का दामन क्यों छोड़ना चाहते हैं। देखिए जो अटकलें हैं कांग्रेस छोड़ने की, अटकल विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी में कमलनाथ अलग थलग हो चुके हैं और एक एक करके आपको बता रहे हैं कि कमलनाथ को एमपी कांग्रेस अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया। ये तमाम वो वजह है। राज्यसभा में जाने की उनकी जो आखिरी उम्मीद थी वो भी अब टूट चुकी है और बेटे नकुल नाथ के लिए नए राजनीतिक भविष्य की तलाश भी कर रहे हैं पिता होने के नाते कमलनाथ। और यही वजह है कि अटकलें तेज हैं कि बेटे के साथ वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान या फिर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन दिल्ली में वो मौजूद हैं और इसीलिए ये अटकलें जो हैं वो और ज्यादा तेज हो चुकी हैं। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और इस वक्त मेरी मौजूदगी भारत मंडपम है पर है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, आज बीजेपी के अधिवेशन का दूसरा दिन है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बीजेपी लगातार जिस तरीके से 370 का नारा बीजेपी और एनडीए की तरफ से 400 प्लस का नारा दिया गया है, उसका रोड मैप क्या होगा, उसकी तैयारी क्या होगी, इसको लेकर यह अधिवेशन कल से इसकी शुरुआत हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आएंगे, ये संभवतः है कि वो आज कंक्लूडिंग रिमार्क दे सकते हैं। देखिए तमाम 11,000 से लेकर 11,500 कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। किस तरीके से टारगेट को पूरा करना है, लक्ष्य को पूरा करना है, वो एक मूल मंत्र दिया गया है। 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान किस तरीके से चलाना है, जनता तक 10 साल की जो उपलब्धियां हैं वो किस तरीके से पहुंचानी है, ये मूल मंत्र कल के अधिवेशन में दिया गया। लेकिन आज क्या खास रहने वाला है, आज तमाम जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर इकट्ठे होंगे, प्रस्तावों पर चर्चा होगी। देखिए 10 साल यानी कि विकसित भारत मोदी की गारंटी और आर्थिक मोर्चे पर भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसकी तस्वीर आज के अधिवेशन में नजर आएगी। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, लगातार हलचल यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोपहर 12 बजे ये वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर आने का वक्त बताया जा रहा है, निर्धारित किया जा रहा है, और यही कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद एक कंक्लूडिंग रिमार्क जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा कि 100 दिनों का जो जनसंपर्क अभियान है, उपलब्धियां जो 10 साल की सरकार की रही है वो जनता तक किस तरीके से पहुंचानी है, महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको किस तरीके से सुनिश्चित करवाना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दे दी है तो विकसित भारत में महिलाएं और ज्यादा मजबूत होगी।